फैसला कोई भी हो दिल में उतर कर करना, जो तुझे दिल में रखे उसको हम सफ़र करना, तेरे माथे की लकीरें भी तुझसे कुछ कहती हैं, ये मोहब्बत नौकरी के लिए है, जंग जरा सोच समझ के करना। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे 5 फरवरी के करेंट अफेयर पे। और देखिए आज इस वीडियो टोटल हम 12 करेंट अफेयर पे डिस्कस करेंगे। और देखिए बीच इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन हम भी पूछेंगे, तो आपको इन 5ों प्रश्नों का जवाब देना है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। देखिए इस वीडियो को पूरा देखने बाद आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आज के करंट अफेयर के PDF की लिंक मिल जाएगी। और देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिल जाएगी, तो इस पर क्लिक करके आप इसे भी ज्वाइन कर लीजिए। और देखिए इस चैनल से ऐसे ही वीडियोस का ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, और वीडियो को लाइक करके इसको शेयर भी कर दीजिए ताकि और भी छात्र इस वीडियो को देख के इससे लाभान्वित हो सकें। और देखिए अगर आप कई सारी परीक्षाओं की टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.examguruacademy.com पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कल के करंट अफेयर सेशन द्वारा पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए कल के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि CBI का नया डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए CBI के नए डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं ऋषि कुमार शुक्ल। और देखिए दूसरा प्रश्न था कल का कि हाल ही में किस व्यक्ति को कोलंबिया गणराज्य यानी कि रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया में भारत के राजदूत यानी कि एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम है संजीव रंजन। और देखिए अगला था कि हाल ही में किस स्थान पर आतंकवाद पर भारत चीन संयुक्त कार्यदल की 8वीं बैठक आयोजित की गई। तो देखिए ये प्लेस आपका बीजिंग है। और अगला था कि हाल ही में कौन सी क्रिकेटर 201 दिवसीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बन गई। तो देखिए इनका नाम है मिताली राज। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को बुर्किना फासो में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। तो देखिए इनका नाम है विजय सिंह चौहान। और देखिए आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि विश्व कैंसर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए जो आपका विश्व कैंसर दिवस यानी कि वर्ल्ड कैंसर डे है, ये आपका जो है 4 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। तो फिर से बता दूं कि विश्व कैंसर दिवस यानी कि वर्ल्ड कैंसर डे जो है 4 फरवरी को हर साल मनाया जाता है, और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य कैंसर के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना और जो आपका कैंसर रोग है इसका जल्दी पता लगाने की जरूरत और कैंसर के उपचार पर ध्यान केंद्रित करना है। और देखिए एक खास बात यह है कि 2019 का जो आपका विश्व कैंसर दिवस है इसकी थीम है वी कैन आई कैन। ठीक है, तो वी कैन आई कैन जो है थीम है 2019 के विश्व कैंसर दिवस यानी कि वर्ल्ड कैंसर डे की। और देखिए दूसरा प्रश्न है कि कौन सी महिला क्रिकेटर 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाली पहली एशियाई महिला क्रिकेटर बन गई हैं। तो देखिए इनका नाम है सना मीर और ये पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं। तो आपको बता दूं कि पाकिस्तानी महिला क्रिकेटर सना मीर जो है ये 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाली पहली एशियाई महिला क्रिकेटर बन गई हैं। और देखिए ये रिकॉर्ड इन्होंने कहाँ पे बनाया ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जो आपकी सना मीर हैं ये कीर्तिमान यानी कि ये रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है हाल ही में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज के आखिरी मैच में। और देखिए तीसरा प्रश्न है कि ICC की ताज़ा महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में किस भारतीय ओपनर ने पहला स्थान हासिल कर लिया है। तो देखिए इनका नाम है स्मृति मंथना। और देखिए ICC की ताज़ा महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में 3 स्थानों की छलांग लगाकर जो आपकी स्मृति मंथना है ये जो है इन्होंने पहला स्थान हासिल किया है। और देखिए एक खास बात और है, देखिए इस रैंकिंग में जो आपकी भारतीय वनडे महिला टीम की कप्तान है मिताली राज ये 5वें स्थान पर पहुंच गई हैं। तो इस न्यूज़ को फिर से बता दूं आपको सरल शब्दों में, देखिए जो आपकी ICC की ताज़ा महिला वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग है इस बल्लेबाजों की रैंकिंग में स्मृति मंथना जो ये पहले स्थान पर काबिज हो गई हैं, और इस रैंकिंग में भारत की वनडे कप्तान जो है जिनका नाम है मिताली राज ये 5वें स्थान पर हैं। और देखिए चौथा प्रश्न है कि ICC की ताज़ा पुरुष वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है। तो देखिए इनका नाम है विराट कोहली। तो देखिए इस बार एक खास बात है कि जो आपकी ICC की जो ताज़ा पुरुष वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग है और महिला वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग है इसमें जो है दोनों स्थानों पर भारतीय खिलाड़ियों ने कब्जा किया है। तो जो आपकी महिला वनडे बल्लेबाजी की रैंकिंग है इसमें पहले स्थान पर आपकी है स्मृति मंथना, और जो आपकी पुरुष वनडे बल्लेबाजी की रैंकिंग इसमें पहले स्थान पर आपकी विराट कोहली हैं। और देखिए एक खास बात और है, मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि विराट कोहली जो है ये ICC की टेस्ट क्रिकेट रैंकिंग में पहले स्थान पर हैं। तो ये टेस्ट क्रिकेट रैंकिंग और जो आपकी वनडे क्रिकेट रैंकिंग है ठीक है दोनों में जो है पहले स्थान पर हैं। और पांचवा प्रश्न है कि ICC की ताज़ा पुरुष वनडे गेंदबाजी रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है। तो देखिए ICC की जो ताज़ा पुरुष वनडे गेंदबाजी की रैंकिंग है इसमें पहले स्थान पर आपके हैं जसप्रीत बुमराह। ठीक है, तो याद रखना है कि जसप्रीत बुमराह ICC की ताज़ा पुरुष वनडे गेंदबाजी की रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। और देखिए छठा प्रश्न है कि हाल ही में उज्बेकिस्तान में किस विषय को पढ़ाने पर लगे बैन को हटा लिया गया है। तो देखिए जो आपका उज्बेकिस्तान देश है यहाँ पर राजनीति शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस को जो है पढ़ाने पर
जो आपकी रोक लगी थी उसको हटा दिया गया है। और देखिए खास बात यह है कि जो उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति हैं शौकत मिर्जियायेव, इन्होंने भी हाल ही में पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र के विषय को जो है उज्बेकिस्तान में पढ़ाने पर लगे बैन को हाल ही में हटाने की घोषणा की। और देखिए खास बात यह कि जो आपका ये रोक था, ठीक है, जो आपका पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र विषय को पढ़ाने का, ठीक है, तो इस पर पूर्व राष्ट्रपति इस्लाम करीमों ने अपने कार्यकाल में राजनीति शास्त्र की पढ़ाई पर जो है कथित तौर पर ये कहते हुए बैन लगा दिया था कि ये पश्चिमी विचारों को बढ़ावा देता है, जिससे जिसमें जो है उज्बेकिस्तान का विकास मॉडल नहीं शामिल है। तो ये खास बात आपको याद रखना है। आपको सबसे पहले क्या रखना है कि उज्बेकिस्तान में हाल ही में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियायेव ने राजनीति शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस जो है विषय को पढ़ाने पर लगे बैन को हाल ही में हटा दिया है। और देखिए अब थोड़ा सा हम उज्बेकिस्तान के बारे में बात कर लेते हैं। उज्बेकिस्तान आपका जो है सेंट्रल एशियन कंट्री है। उज्बेकिस्तान की कैपिटल है यानी कि राजधानी है ताशकंद। उज्बेकिस्तान की करेंसी यानी कि मुद्रा है उज्बेकिस्तानी सोम। उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति हैं शौकत मिर्जियायेव। और देखिए सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किस मणिपुरी फिल्मकार ने नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के विरोध में अपना पद्मश्री पुरस्कार लौटा दिया है। तो देखिए इनका नाम है अरिबम श्याम शर्मा। तो सरल शब्दों में बता दूं कि अरिबम श्याम शर्मा जो कि मणिपुरी फिल्मकार हैं, इन्होंने नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के विरोध में अपना पद्मश्री पुरस्कार लौटा दिया है। और देखिए जो आपके ये अरिबम श्याम शर्मा है, इनको जो है ये पुरस्कार कांग्रेस के शासन में 2006 में जो है दिया गया था। और देखिए आठवां प्रश्न है कि हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ एंटीगुआ टेस्ट मैच में धीमी गति से ओवर फेंकने को लेकर आईसीसी ने मेजबान विंडीज के कप्तान जेसन होल्डर पर कितने टेस्ट मैच का बैन लगाया है। तो देखिए जो आपके जेसन होल्डर हैं, इन पर जो है टोटल एक टेस्ट मैच का बैन लगाया गया है हाल ही में। तो फिर से बता दूं कि इंग्लैंड के खिलाफ एंटीगुआ टेस्ट मैच में धीमी गति से ओवर फेंकने को लेकर आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जो आपका मेजबान देश था विंडीज, ठीक है, तो ये इसके कप्तान जेसन होल्डर पर एक टेस्ट मैच का बैन लगाया है। और देखिए जेसन होल्डर पर एक टेस्ट मैच के बैन के साथ साथ में इनके एक मैच के फीस का 40% और इनकी जो टीम है, ठीक है, तो टीम के अन्य खिलाड़ियों के फीस का जो है 20% जुर्माना भी लगाया है। और देखिए नौवां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। देखिए ये प्रश्न आपका है कि अमेरिका और रूस ने हाल ही में किस परमाणु संधि से स्वयं को अलग करके संधि को स्थगित करने की घोषणा की है। तो देखिए इस परमाणु संधि का नाम आपको रखना है, इसका नाम है INF और INF का पूरा नाम है इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज। तो देखिए इस चीज़ को मैं आपको सरल शब्दों में बता देता हूँ। देखिए अमेरिका और रूस ने हाल ही में जो आपका INF यानी कि इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज परमाणु संधि है, इससे जो है स्वयं को अलग करके इस संधि को स्थगित करने की घोषणा की है। देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। तो सबसे पहले जो आपके डोनाल्ड ट्रंप हैं, इन्होंने इनको कहा कि बेटा हम इस संधि से अलग होना चाहते हैं, तुम बहुत ही मनमानी कर रहे हो, कई सारे परमाणु परीक्षण कर रहे हो मनमानी ढंग से, तो इस अब परमाणु संधि का कोई मतलब नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ, जो आपके रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, तो ये भी थोड़े से खतरनाक इंसान हैं, इन्होंने जो है 2 फरवरी 2019 को फाइनल घोषणा कर दी कि जो आपका इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज परमाणु संधि है, ठीक है, इसको अब हम जो है ख़त्म करते हैं, इससे अलग हो जाते हैं। और देखिए थोड़ा सा आप सवाल ये उठता है कि आपका ये इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज परमाणु संधि है क्या चीज़ और ये कब किया गया था, तो इसको आइए जान लेते हैं हम। देखिए जो आपका INF परमाणु संधि है यानी कि इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज परमाणु संधि है, इसको 1987 में किया गया था और ये जो है उस समय के तत्कालीन, ठीक है, उस समय के तत्कालीन सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव और अमेरिका के तत्कालीन उस समय के राष्ट्रपति जिनका नाम है रोनाल्ड रीगन, इन दोनों के द्वारा किया गया था। और देखिए जो आपका INF परमाणु संधि यानी कि इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज परमाणु संधि है, ये जो है जमीन से मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइलों के परीक्षण और तैनाती को रोकता है। और खास बात है कि इन मिसाइलों की जो रेंज है यानी कि क्षमता, ये 500 से 5500 किलोमीटर तक हो सकती है। तो ये सभी खास बात याद रखना है INF परमाणु संधि के बारे में, ठीक है, और इसमें दो देश शामिल हैं जो आपका अमेरिका है ये और साथ ही रूस यानी कि रशिया। और देखिए आज आपको अमेरिका और रशिया के बारे में सारे फैक्ट जो है कमेंट बॉक्स में बताने हैं, तो ये आपका ऑनलाइन होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में भी सारे के सारे फैक्ट बता डालिए रशिया और अमेरिका के बारे में। और देखिए दसवां प्रश्न है कि देश के 22वें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स की स्थापना हरियाणा में किस स्थान पर की जाएगी। तो देखिए जो आपका भारत का 22वां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स है, इसकी स्थापना जो है हरियाणा के रेवाड़ी में की जाएगी। तो इस चीज़ को मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ बजट के वीडियो में और साथ ही करेंट अफेयर में भी कि भारत का जो 22वां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है ये हरियाणा में खोला जाएगा, लेकिन ये किस स्थान पर खोला जाएगा ये अब तक जो है स्पष्ट नहीं था।
तो अब इसका स्थान स्पष्ट हो गया है, हरियाणा में जो है, हरियाणा के रेवाड़ी में, जो आपका भारत का 22वां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि एम्स है, ये खोला जाएगा। और देखिए सबसे खास बात यह है कि जो आपका ये 22वां एम्स है, ठीक है, यानी कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है भारत का, इसकी स्थापना जो है ये हरियाणा के रेवाड़ी में जो है मनेठी गाँव में की जाएगी। और अब हम बात कर लेते हैं हरियाणा के बारे में। देखिए हरियाणा जो है इसकी कैपिटल यानी कि राजधानी है चंडीगढ़, हरियाणा के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर, और हरियाणा की टोटल पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या है 2.54 करोड़। तो ये सभी खास बातें हरियाणा के बारे में याद रखिएगा। लेकिन सबसे पहले मैंने आपको स्पेशल फैक्ट बताया कि भारत का जो 22वां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स है, ये कहाँ खोला जाएगा, तो ये खोला जाएगा हरियाणा के रेवाड़ी के मनेठी गाँव में। और देखिए 11वां प्रश्न है कि हाल ही में इस स्थान पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग और नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने भारत मोनाको व्यापार मंच का उद्घाटन किया। तो देखिए ये प्लेस आपका नई दिल्ली है, तो इस चीज़ को सरल शब्दों में दिमाग में फिट कर लीजिए। देखिए हाल ही में नई दिल्ली में भारत के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग और नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने भारत और मोनाको व्यापार मंच का उद्घाटन किया। और देखिए मोनाको के बारे में बात करें तो मोनाको की कैपिटल है मोंटे कार्लो और मोनाको की मुद्रा है यूरो। और देखिए 12वां प्रश्न है कि भारत की नई ई कॉमर्स नीति किस तिथि से लागू हो गई है। तो देखिए जो भारत की नई ई कॉमर्स नीति है ये आपकी 1 फरवरी 2019 से लागू हुई है। और देखिए डेट एग्जाम में आजकल खूब पूछे जा रहे हैं तो इसलिए मैं सारे डेट क्लियर करते चल रहा हूँ, और कल भी मैंने बहुत सारे डेट क्लियर किए थे आपके कि किस डेट को कौन सी घटना हुई थी। तो अभी आपको क्या रखना है कि जो भारत की नई ई कॉमर्स नीति है ये 1 फरवरी 2019 से लागू हुई है और इसमें क्या क्या खास बातें हैं। और देखिए इस नई ई कॉमर्स नीति में जो है, जो आपकी ई कॉमर्स कंपनियां जैसे कि आपकी अमेजन, फ्लिपकार्ट और जितनी भी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, इनके लिए जो है नीति नियमों का एक नया सेट बनाया गया है। और इस नियमों में क्या क्या शामिल है तो आइए जान लेते हैं इन चीज़ों को। देखिए नई नीति जो है ये ई कॉमर्स कंपनियों के प्लेटफॉर्म पर उत्पाद बेचने के लिए ब्रांडों के साथ विशेष सौदे में प्रवेश करने से रोकती है, और नए बदलाव के मुताबिक अब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म उन कंपनियों के प्रोडक्ट नहीं बेच पाएंगे जिनमें उन कंपनियों की हिस्सेदारी है, और साथ ही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अब किसी प्रोडक्ट विशेष की एक्सक्लूसिव सेल भी नहीं चल पाएगी। और साथ ही इसके साथ में जो है कैशबैक, विस्तारित वारंटी, कुछ ब्रांडों के लिए तेजी से वितरण जैसे विशेष ऑफर जो है अब निषिद्ध हो जाएंगे जो आपके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट। ठीक है, तो ये खास बातें आप रखिएगा जो भारत की नई ई कॉमर्स नीति है इनके बारे में। ठीक है, और सबसे पहले डेट याद रखना है कि 1 फरवरी 2019 से जो भारत की नई ई कॉमर्स नीति है ये लागू की गई है। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर। अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि 3 फरवरी 2019 को कौन सी ट्रेन जो है बिहार के हाजीपुर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, तो इस ट्रेन का नाम बताइए जल्दी से। देखिए आजकल जो है जितनी भी परीक्षाएं अब तक हुई हैं, तो पिछले 3 सालों का मैं एनालिसिस बता रहा हूँ, पिछले 3 सालों में जितनी भी ट्रेन दुर्घटनाएं हुई हैं उसका प्लेस और ट्रेन का नंबर एग्जाम में पूछा गया है। तो कल इस क्वेश्चन के बारे में मैंने बहुत डिटेल में बताया था कि ट्रेन का नाम क्या है, इसका ट्रेन का नंबर क्या है, और एग्जैक्ट लोकेशन बताया था कि कहाँ पर यह दुर्घटना हुई। तो कल का वीडियो देख के उसको नोट कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में 3 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर में किस स्थान पर एम्स की आधारशिला रखी, इसका उत्तर बताइए। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को नेपाल सरकार ने भारत में नेपाल के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है, इसका आंसर बताइए जल्दी से। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में पे एंड स्टे यूनिवर्सिटी वीजा स्कैम में शामिल होने के आरोप में 129 भारतीय छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया है, इसका आंसर बताइए जल्दी से। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे बिहार का नया डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि डीजीपी नियुक्त किया गया है, इनका नाम बताइए। तो इसी के साथ आज का करेंट अफेयर यहीं समाप्त होता है, कल फिर मिलेंगे कल के करेंट अफेयर के साथ। तो वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर दीजिएगा, जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि मेरे अगले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक और सबसे पहले उनको मिलता रहे। और देखिए अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे फॉलो करना चाहते हो तो इन दोनों की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और साथ ही अगर हमारा आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो इन दोनों की लिंक मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, और साथ ही आपको जो हमारे फेसबुक पेज की लिंक मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पर क्लिक करके आप जो है इन सभी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।